हमारा यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपको तो पता चल ही गया होगा मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं हूँ छत के ऊपर, और टाइम की बोलूँ तो टाइम हुआ है 4:30 बज रहे हैं। तो मैं हूँ इधर में, मेरे पौधे लगे हुए हैं ना, तो मैंने इनमें डाली थी खाद, गोबर की खाद डाली थी घोल के। तो दो दिन हो गया है तो मैं डाली थी, और अब इनको मेरे को क्या करना है, गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि गोबर की खाद मतलब गोबर का घोल बना के फिर मैं डाली थी, और गुड़ाई करके उसके बाद में पानी देना है। क्योंकि जब से गोबर खाद डाली हूँ मैंने कुछ नहीं की हूँ, 2 दिन हो चुका है, और इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई इसलिए करनी चाहिए वो मैं साथ में बताऊँगी, किस लिए करनी चाहिए किस लिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा बात करते हुए नहीं। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो मैंने डाली थी ना गोबर खाद, डाली थी ना घोल बना के, मतलब गोबर बाल्टी में घोल के डाली थी। तो अभी देखो मैंने, आपको देख भी सकते हो, मैं गुड़ाई वगैरह कुछ नहीं की हूँ ऐसे ही। और ये मेरे मिर्चा का पेड़ है, 2 मिर्चा का पेड़ है, आप देख सकते हो, 1-2। तो ये, और ये इधर बैंगन, इसमें भी डाली थी मैंने कुछ नहीं की हूँ, तो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने घोल डाली थी तब से मैंने कुछ नहीं की हूँ। और गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, गोबर का घोल डालने के बाद में तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत गीला हो तो आपको भी पता है नहीं होगी, पर हाँ 2-3 दिन के बाद में तो इसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा, मैं मतलब स्टार्ट करती हूँ, और ज़्यादा बात करते हुए नहीं, तो सारे पौधों में मैंने डाली थी तो आपको पता चले। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करती हूँ और फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं आप लोगों का, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी जल्दी है। फटाफट गुड़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद में पानी डालूँगी, तो बने रहिएगा आप लोग जरूर। देख के गुड़ाई भी करनी चाहिए। तो मेरा ये अरबी का पेड़ है जो जहाँ पे, उसको संभाल के करनी चाहिए क्योंकि इसमें नीचे से दूसरा भी पेड़ निकल रहा है, तो ये भी बात बहुत जल्दी ध्यान रखना होता है। ये दोस्तों है बैंगन का पेड़, ये मेरा बैंगन का पेड़ है, तो सभी मैं आराम आराम से कर दे रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद में ये याद जरूर रखना चाहिए कि इसका जो गोबर है, जो भी जितना खाद है ना, इसको पूरा मतलब मिला के अच्छी तरह से मिलाना चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा ढेला जैसा, जैसे मतलब गमले में अगर आप लगाते हो ना, तो मैंने कर दी हूँ। और यह मिट्टी जो है ना, गोबर जिसको मतलब गोबर है ना, गोबर मैंने जो डाली थी ना, गोबर का जो खाद डाली थी, उसका जो मतलब बन जाता है एक साथ में जैसे, तो उसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मिला रही हूँ, उसको मिला दे रही हूँ अच्छी तरह से, मिल जाएगा, दे रही हूँ जल्दी जल्दी।
बिल्कुल भी मिला दे रही हूँ। और ये पौधा जो मेरा ना, इसको मेरे को असल में ईंट के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि पानी जो है ना, पौधे से पानी बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पौधा नष्ट होने का भी चांस रहता है। तो ये कुछ मेरा पौधा जो है ना, ये वाला गमला जो है ना, इसको किसी के ऊपर रखना चाहिए, ईंट के ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों इस गमले की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं इस किसी के ऊपर क्यों नहीं रख सकती हूँ ना, ये गमला जो है ना, मैं ईंट के ऊपर इसलिए नहीं इसको रख सकती हूँ क्योंकि गमला जो है ना नीचे से इसका मतलब टूटा हुआ है। अगर ईंट पे रख दूँगी तो ये टूट जाएगा और बेकार हो जाएगा गमला, जो ईंट पे रख दूँगी तो बेकार हो जाएगा गमला, तो मैं सोच रही ना। और अगर नहीं ईंट पे रख रही हूँ, जैसे मतलब पानी निकलने के लिए थोड़ा मतलब अगर ऐसे रख दे रही है तो पानी नहीं निकल पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। अगर घुस के रख दे रही हूँ तो टूटने का चांस है, तो देखती हूँ ईंट कुछ इस तरह ही रखूँगी जो मतलब टूटेगा भी नहीं। अब ठीक रहेगा। अभी मैंने दोस्तों मिट्टी मिला दी हूँ कुछ इस तरह से, गोबर सी मतलब, और इधर साइड भी मिला दे रही हूँ जितना भी मैंने गुड़ाई की हूँ जिन पौधों में। गुड़ाई मेरी हो चुकी है, इधर की गुड़ाई। अब मेरे उधर है तुलसी मैया, उनको भी कर देती हूँ, ये उनकी भी गुड़ाई कर देती हूँ उधर। और उनमें भी मैंने डाली थी खाद, तो ये इधर आ जाइए, ये देखो इधर, तो इनमें भी मैं कर दे रही हूँ फटाफट। तो ये अमरूद का पेड़ है, एक और है, ये है, तो इनको मैं नीचे लगा दूंगी। और ये अमरूद का पेड़ बहुत ही अच्छा फल का, बहुत इतना मोटा मोटा अमरूद है उसका, ये बीज है तो अच्छा है अमरूद का, मतलब पहले ही डाली थी तो इसको लगा दूंगी, नीचे हो जाएगा।
के पास में मन कीजिए मिट्टी में 1 रुपया का सिक्का निकला देखो। तुलसी भैया ने मेरे को 1 रुपये का सिक्का दिया है, थोड़ा ज़्यादा दे देती तो मेरा थोड़ा मतलब पैसे कहीं काम पे लगा लेती हूँ। 1 रुपया, 1 रुपया सच्ची में आपके सामने ही, आप लोग तो देख ही रहे थे, सामने ही निकला है 1 रुपये का सिक्का निकला है। चलो रख लेती हूँ, ये मेरा रखा रहेगा, ऐसी जगह रखूँगी हमेशा मेरे पास रहेगा। अब मुझे नहीं पता है कहाँ से आया है, मिट्टी में होगा, मिट्टी लाई होगी तो उसी में कहीं होगा, देखा नहीं होगा। 1 रुपये का सिक्का चलो मेरे को मिल गया है, ये मैंने कर दी उड़ाई। इनकी भी गुड़ाई करती हूँ अच्छी तरह से। इसमें जो है ना अमरूद के पेड़ में थोड़ा मिट्टी सा मिट्टी ऐसे कर लेती हूँ, कवर कर लेती हूँ मिट्टी से, नहीं तो सूख जाएगा। ये ऐसे थोड़ी देर लगाऊंगी क्योंकि अभी तो मैं नहीं जा पाऊँगी। एकदम गंदे हो चुके हाथ, तो मैं धो ले रही हूँ। दोस्तों धो लिए मैंने हाथ, देखो हाथ भी मैंने साफ कर लिए हैं। और आप अब आपको दिखाती हूँ, मैंने गुड़ाई की हूँ तो दी हूँ, मैंने गुड़ाई कर दी हूँ, मिट्टी भी कर दी हूँ क्योंकि पतला महीन महीन कर दी हूँ। और ये मेरा बैंगन का पेड़, और ये बैंगन के पेड़ में भी मैंने महीन महीन मिट्टी की हूँ। और ये है इधर अनार का पेड़, तो ये जितने भी पौधे हैं इनमें सारी में कर दी हूँ गुड़ाई, आप देख सकते हो। और ये दोस्तों देखो छोटा सा मेरा मिर्चा का पेड़ है, छोटा सा है, और इसको मैं दिखाऊंगी, इसका ग्रोथ जैसे ही होगा। और आप मन में सोच भी रहे होंगे कि इतना छोटा पौधा चल जाएगा क्या, हाँ चलेगा, मैं दिखाऊंगी। ये मतलब यही रुक जाओ एक हफ्ते के बाद मैं दिखाऊंगी ये पौधा कितना बड़ा हुआ है। तो ये देखो अरबी, अरबी भी मेरा, एक और अरबी निकल रही है, ये देखो इधर ये निकल रही है।